हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जैम या किसी और यूनिवर्सिटी जो कि MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और BSc में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास IIT जैम 2005 का क्वेश्चन है, लेट आर वेक्टर इक्वल टू xi+yj+zk कैप इफ φx/z इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, then the vector field del phi plus r vector is neither solenoid nor irrational। basically यही पूछा है, मैं चेक करना है solenoid and irrational। हर ऑप्शन में यही सेम रिपीट बात की गई है, एक चीज को nor not या दोनों है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप मैथमेटिक्स या MSc के लिए इंटरेस्ट तैयारी कर रहे हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिए। हमारे पास ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कोई हमारे पास ये लेट और ये दिया हुआ है वेक्टर फील्ड। बेसिकली फर्स्ट जो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, इफ φx/z इज अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, यानी कि लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इंप्लाई चूंकि φx/z इज सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब इंप्लाई करता है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें चेक करना है सोलेनोइडल एंड इरेशनल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर वी इज सोलेनोइडल if divergent of v equal to 0 and irrational if curl v equal to 0। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें चेक करना है डेल फाई प्लस आर वेक्टर को, इसको चेक करना है कि ये सोलेनोइडल है या इरेशनल है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं सोलेनोइडल, अब सोलेनोइडल चेक करते हैं तो डाइवर्जेंट निकालना है, यानी हमें निकालना है डाइवर्जेंट ऑफ डेल फाई प्लस आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल आर वेक्टर, तो डेल स्क्वायर फाई तो इस यहां से ये जीरो हो गया, तो इक्वल टू जीरो प्लस डेल आर वेक्टर, जीरो को हम यहां से हटा सकते हैं। हमारे पास ये आ गया। अब आर वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है xi+yj+zk, तो हम यहां से हम डेल फाई निकाल सकते हैं, सो डेल आर निकाल सकते हैं। डेल आर वेक्टर क्या होगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसका प्रोडक्ट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास यहां से अगर इसका प्रोडक्ट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा और ये आयोटा, दो इनका आयोटा और आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एक्स प्लस, क्योंकि आयोटा डॉट आई डॉट जे या आई डॉट के जो होगा, तो इसके अगर प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा, तो आई डॉट आई प्लस इसी तरह से जे डॉट जे डेल अपॉन डेल वाई, और इसके अलावा प्रोडक्ट में अगर आई डॉट आई करें तो ये वन हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखना जरूरी नहीं समझते। ये हो जाएगा डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड, तो ये हो गया वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू थ्री, तो ये थ्री के इक्वल आ गए, यानी कि ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहां से ये हो गया हमारे पास, ये जो इक्वेशन है ये वी जो है सोलेनोइडल नहीं है, इंप्लाई वी इज Not solenoidal। अब हम चेक करते हैं irrational, तो irrational के लिए क्या चेक करना होगा, हमें curl चेक करनी होगी। तो फ्रेंड्स, curl जो चेक करेंगे वो हम करेंगे हम डेल क्रॉस वी। अब डेल क्रॉस वी को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वी जो क्या है वो डेल फाई प्लस आर वेक्टर, ये हो गया हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल फाई
प्लस डेल क्रॉस आर वेक्टर। अब फ्रेंड्स ये जो है डेल क्रॉस डेल यानी कि ये सेम है हमारे पास, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि डेल क्रॉस डेल सेम टर्म का अगर वो सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट हो तो जीरो हो जाता है, तो ये टर्म तो हमारे पास जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास बचा डेल क्रॉस आर वेक्टर, अब ये निकालना, तो इसको निकालने के लिए सिंपली डेल आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और आर वेक्टर क्या है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स यहां वाई यहां जेड यहां इक्वल टू, अब ये निकालते हैं, तो ये निकालते हैं तो आई के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो डेल अपॉन डेल वाई और जेड का डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा वो, और डेल अपॉन और इधर देखें तो डेल अपॉन डेल जेड और वाई का तो ये जीरो हो जाएगा, सॉरी माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो। इसी तरह से अगर हम जे के लिए देखेंगे तो जे के लिए देखेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड और एक्स तो ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स और जेड माइनस जीरो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह के लिए भी जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये जो टर्म है हमारे पास सब कुछ जीरो आया है, तो कर्ल जो है वो जीरो है, यानी जो ये कर्ल जो थी डेल क्रॉस वी इक्वल टू जीरो आई है, तो यहां से हम कह सकते हैं वी इज इरेशनल। तो फिर इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस इस तरह के हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आईआईटी जेम के और भी एग्जांपल लूंगा जिनको आप देख सकते हो, ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।